हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हालांकि ये टॉपिक मेरे चैनल पर नया नहीं है, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। लोन के ऊपर बात है, गुड लोन या बैड लोन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लोन लेना है उसको, लोन को यदि आपने गुड लोन साबित करना है या बैड लोन साबित करना है। मैंने सिंपल ये लिखा है, गुड लोन क्या है, यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर ली, कहीं और आपको लगता है कोई शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है, कहीं और कहीं भी आपको लगे कि आपको फायदा होने वाला है, तो वहाँ पर आप किसी बंदे से पैसा उधार लेके, किसी संस्था से, किसी बैंक से उधार लेके यदि काम कर लेते हो, बिजनेस पर लगा देते हो, तो वो पैसा आपका ग्रो हो जाएगा, ग्रो, और ये पैसा आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। ये पैसे ने ग्रो होना है और ग्रो होने के बाद जितना बैंक का ब्याज होगा, जितना दूसरे दोस्तों के साथ ब्याज होगा, वो सारा ही उतर जाएगा, और उतरने के बाद फिर भी आपको फायदा हो जाएगा। बैड लोन क्या है? बैड लोन है लोन ऑन कार, मोबाइल, मैरिजेस, क्रेडिट कार्ड एंड अदर लग्जरीज। कार पे लोन ले लिया, लोग कार में जाते हैं, 20-20 लाख की कार में जा रहे हैं, 25-25 लाख की कार में जाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, सलाह लेने आते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतनी वो है, और जो उनकी जमाबंदी होती है, जिसको 7-12 बोलते हैं, वो सारी लाल अक्षरों में भरी होती है, लोन लिए होते हैं। मतलब लोन लेके आप बड़ी कार ले ली आपने, 20 लाख की, 40 लाख, 40-40 लाख की कार ली, मतलब फॉर्चूनर तक ले रहे हैं, मर्सिडीज तक ले रहे हैं, जो आदमी जनरेट नहीं करेंगे, जो पैसा नहीं कमाते, उनके लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं किसानों को देख रहा हूँ, किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर बड़ी बड़ी कारें लेके उसमें घूम रहे हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स ज़रूर है। यदि आपके पास इतनी बड़ी गुंजाइश नहीं है, चाहे बिजनेसमैन भी हो, मैं भी हूँ, यदि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है तो मैं लोन की कार मेरे को नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही कोई ज़रूरी है। यदि आप इस कार को अपना कमाऊ बेटा बना सकते हो फिर ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं कि आपका कोई काम है, आपको भागदौड़ करनी पड़ रही है, कहीं भी जाना है, आप लोन लेके कार ले लोगे और लोन लेके कार पर लोन की किस्त भी उतर जाएगी यदि आप उससे पैसा कमाते हो। पैसा कमाना ज़रूरी है, यदि आप लोन की कार से पैसा कमा लोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं, फिर वो आपका एसेट बन जाता है। तो हमने ये देखा है जो बड़ी बड़ी मतलब कारों में आते हैं और ज़्यादा मतलब उनकी जो परमानेंट इनकम कोई नहीं होती या सिक्योर्ड इनकम भी नहीं होती, वो आदमी लोन के नीचे आ जाते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा बैंक का इंटरेस्ट, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी की यदि बात करें तो फिर वो हो जाता है कि वी आर वर्किंग फॉर अदर्स। कई लोगों ने मैं देखा है मैरिज के ऊपर बहुत पैसे लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, पैसे होते भी नहीं हैं। मेरा एक दोस्त है जानकार, जिसने 2 साल पहले अपने बेटे की शादी की थी और 35-40 लाख रुपए लगाया, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे, टाइट था, लोगों से पैसा पकड़ पकड़ के पैसा लगा दिया शादी पर, कोई समझदारी नहीं है। किसी और बंदे ने अपने बेटे की शादी पर 2 करोड़ के आसपास रुपया लगाया और उसको अपनी बहू को, होने वाली बहू को BMW कार दे के आया था कि मेरी जो घर की बहू है अब छोटी गाड़ी में नहीं घूमेगी। अफसोस ये है कि वो शादी 6 महीने भी नहीं चली, 6 महीने में शादी खत्म होगी और जो दो करोड़ रुपया लगा था उसका क्या बना, कुतरी। मतलब सीधे के सीधे तौर पर 2 करोड़ रुपया शादी पर ला के डुबा दिया उन्होंने। फिर क्रेडिट कार्ड है, हम वैसे बिना बात के शॉपिंग करते रहते हैं, शॉपिंग अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है, मैं भी ज़्यादा खर्च करता हूँ, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज़ वहाँ करना है जहाँ आपकी ज़रूरत हो, बहुत आपका नहीं चलता काम। अदर लग्जरीज, मोबाइल फ़ोन है और कोई किसी और AC लगे हुए, बजाज फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा, हर आइटम पर लोन देती है,
भाई हमें लोन लेने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोन लेके यदि आपका पैसा जो है अच्छे तरीके से काम पर लग जाएगा फिर तो आप उस पैसे से पैसा कमाओगे। लेकिन यदि आप 1.5 लाख का मोबाइल आपने ले लिया, बजाज फाइनेंस करवा लिया, बजाज वाले से फाइनेंस करवा लिया, एसी घर में लग गए और कहीं लग गए, तो आपको फिर डेफिनेटली वो आपको उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। चीज़ में जो चीज़ जो वस्तु आपने खरीदी उसकी डेप्रिसिएशन होगी और जो बजाज वालों का फाइनेंस ब्याज है वो बढ़ गया। तो सिंपल तौर पर जो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि वी आर वर्किंग फॉर अदर्स, हमने बैंक के लिए काम कर रहे हैं, जितना पैसा हम कमा रहे हैं फिर हमें यदि ब्याज का काम ब्याज पर हमें हमारे पर पड़ना शुरू हो जाए तो हमें फिर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। और इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये मैं लोन ऑन प्रॉपर्टी इसलिए लिखा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके इनके ऊपर खर्च नहीं कर देना आपने। यदि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी पर पैसा लगाओ, देख के समझ के लगाओ। मेरे पास दो एग्जांपल तो बहुत सॉलिड हैं, एक कुराली वाली और एक यहीं मोहाली के पास माणकपुर गाँव है, जो 22 लाख की प्रॉपर्टी ली थी लोन लेके आज 70 लाख की हो गई है। और कुराली वाली उसने 25 लाख की ली थी, 1 लाख रुपये रजिस्ट्री खर्चा 26 लाख की, और 6-7 महीने में उसने 45 लाख रुपये की बेच दी। तो ये पैसा जो है लोगों, ये अदर पीपल्स मनी है, लोगों के पैसे के साथ आप पैसा कर रहे हो, कमा रहे हो, तो ये बुरा नहीं है। लेकिन जब आप शौक पालने पर पैसा लगा देते हो, बड़े बड़े होटलों पर जाके खर्चे करते हो, जहाज़ों में सफ़र करना शुरू कर देते हो लोन के पैसे से, तो वो आपके लिए जी का जंजाल बन जाता है। सो आपने बचना है, अपने दोस्तों को बचाना है, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है कि यदि कोई आदमी इस तरीके की गलती करता है उसको समझाने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, फिर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो में कोई आपको लगे कि ऐसी चीज़ डालनी चाहिए थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और इस तरीके की वीडियोस आपके पास लगातार आती रहेंगी। सीखो, पढ़ो और आगे बढ़ो। सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली।